बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये 7:19 पे ये ब्लास्ट हुआ। ये हमारा एडिशनल SHO शफाद मिर्ज़ा अपनी टीम के साथ यहाँ गश्त करके इस जगह पे गाड़ी खड़ी करके उन्होंने खड़ी की और नीचे उतरे हैं, तो उसके चंद मिनट के बाद ब्लास्ट हुआ। तो हम समझते हैं कि टारगेट यही था। और इस ब्लास्ट में हमारे 4 लोग अभी तक जो टोटल पब्लिक के और पुलिस के शहीद हुए। एक कन्फर्म पुलिस का है, एक की अभी शनाख्त नहीं हो रही, लगता है पुलिस का है, 2 सिविलियंस हैं। 28 लोग पुलिस और सिविलियन समेत जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनमें एक औरत भी है, बच्चे भी हैं 2, और वो सारों का इलाज मुआलजा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, बाकी लोगों की भी हदायत है, एमरजेंसी भी नाफज है, सिक्योरिटी भी है सिवल। नौयत के बारे में अभी हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन वाले मुतमिन नहीं हुए। CTD और हमारी स्पेशल ब्रांच और हमने आपस में जो वीडियो और कुछ उसको दोबारा देखेंगे, और हम अभी अनाउंस नहीं करना चाहते चूँकि ये अभी बहुत प्री मेच्योर है। बज़ाहिर यही लगता है कि ये मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन बंदे के साथ हुआ या बंदे के बगैर हुआ, इसकी हमें क्राइम सीन हम सिक्योर रखेंगे। सुबह जब दोबारा इसका मुआयना करेंगे तो इसकी फ़ाइनल नौयत के बारे में हम फिर बताएंगे इंशाल्लाह। जी शदीद ज़ख्मी जी, उनकी हालत क्रिटिकल है, वो ट्रामा में हैं और ज़ेर इलाज हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से फुल सपोर्ट उनको दी जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे आप देख रहे हैं कि 2 दहाइयों से पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी मुसल्लत की गई है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग, मुख्तलिफ कबीले कौम के लोग इसमें ऐड किए जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फोर्सेस ने उनकी वो कैपेसिटी इतनी कम की, उतनी ख़त्म की कि वो अभी हमारे आवाम के बजाय हमारे फोर्सेस जो हमेशा हमारी हिफाजत के लिए रहते हैं उनको निशाना बना रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी फोर्सेस को मज़ीद जिस चीज़ की ज़रूरत हुई उनको और मज़ीद अपग्रेड करेंगे, ताकि इन जो एक तो फेंसिंग हो रही है, आप लोग को पता है फेंसिंग की वजह से भी इंशाल्लाह जब फेंसिंग कंप्लीट होगा भी कुछ इसमें इंशाल्लाह कमी आएगी। और इंशाल्लाह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितना इसका ग्राफ नीचे लाया है, इंशाल्लाह एक दिन इसको ख़त्म भी करेंगे। हम अपने शहदा पर फख्र करते हैं, वो हमारे लिए शहीद हुए हैं, हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दी है। देखें DIG साहब खड़े हैं, जो भी हमारे मीटिंग्स होते हैं, जो लोगों की तरफ से शिकायतें आती हैं कि ये सिक्योरिटी लैब्स हैं, हम उनको कवर कर लेते हैं। अभी ये इतना गुंजान आबाद रश एरिया है कि एक बंदे ने आकर एक मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, रिमोट कंट्रोल बम रख दिया खुद, तो इसमें ज़रूर कुछ मुश्किलात होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाकर हम इस पर भी काम करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट बहुत लाजमी प्रोजेक्ट है क्वेटा के लिए, वो DIG नज़ीर खुर्द साहब के उसमें दिया गया है, तो वो उसके PD हैं, तो वो इंशाल्लाह अभी जल्द इसको शुरू करेंगे। लड़की बनाए जी, बोलते हैं।